पहला स्टेप लाइट रूम में यूज करने से पहले सभी के जो है हम एक बताना चाहते हैं, सभी के पीएनजी जो है बैकग्राउंड जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहां से क्रोम ब्राउजर कर यूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड पीएनजी हम जो भी इस एडिटिंग में लगेंगे। तो पहला चीज़ यहां पर शेयर करके आप चल जाएंगे कहां पर, तो लाइट रूम एप्लीकेशन में चल जाएंगे। लाइट रूम एप्लीकेशन यहां पर देख सकते हैं एड टू एल आर है, यहाँ पर आप चले जाएंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। लाइट रूम एप्लीकेशन में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एड रूम एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो ये मैंने पहले एडिट कर रहा था तो इसको अभी यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इसे लेते आया है लाइट रूम एप्लीकेशन में, जो मेरा पहला स्टेप है लाइट रूम एप्लीकेशन। लाइट रूम एप्लीकेशन में आने के बाद जो है यहाँ पर देखिए सन इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सन इफेक्ट में क्लिक करने के बाद जो है आपको एक्सपोजर थोड़ा यदि घटा देंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर घटा देंगे, कंट्रास्ट को भी यदि थोड़ा सा घटा देंगे, उसके बाद हाईलाइट को जो है थोड़ा सा यहाँ पर आप लेते आ सकते हैं, यहाँ लेते आएंगे। उसके बाद शेडो को जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद वाइट को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ब्लैक को जो है कम से कम ब्लैक को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमको इसको हटाने दीजिए, ब्लैक को जो है आप यहाँ पर 30x35 रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप फोटो था, और अभी देखिए किस तरह से। अभी फिर दूसरा ऑप्शन में जाने के बाद जो है आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर टेम्परेचर जैसा साइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर में जाने के बाद जो है आपको मिक्स टूल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मिक्स टूल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, तो इसको क्या करना है, सेचुरेशन को जो है आपको थोड़ा सा जो है सेचुरेशन थोड़ा सा घटा देना है, और दूसरा ऑप्शन में जाने के बाद लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देना है। देख सकते हैं आप फेस पर यहाँ पर लुमिनेंस का काम है, मेन लाइट रूम फंक्शन में यही है लुमिनेंस, सेकेंड ऑप्शन वाला यहाँ पे लुमिनेंस को बढ़ा देना है थोड़ा सा, और आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। हमको सिर्फ जो है बैकग्राउंड पर नहीं जाना है, क्योंकि हमको बैकग्राउंड चेंज करना है, इसलिए बैकग्राउंड पर नहीं जाना है, हमको सिर्फ यहाँ पर इसका बॉडी वर्क पर काम करना है। फिर उसके बाद सेचुरेशन इसमें देख सकते हैं आप कैसा क्या हो रहा है, सेचुरेशन को थोड़ा ठीक ही रखेंगे, थोड़ा सा घटा सकते हैं या इसको वैसे ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, इस ये वाले जो है एक्वा ग्रीन जो है एक्वा ग्रीन इसके पास चले जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है इसे। उसके बाद यहाँ पर ये उसके बाद वाले जो ऑप्शन में है इस यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यहाँ पर देखिए शर्ट का कलर जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर फिर देखिए इसे सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे और लुमिनेंस यहाँ पर जो है थोड़ा जो है बढ़ा लेंगे यानी 52 दे देंगे। उसके बाद और कुछ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन वाले पे, ग्रीन से कुछ हो रहा है क्या, ग्रीन भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, सेचुरेशन जो है रहने देंगे, हो गया। बस यही करना है हमें, सिर्फ हमें क्या करना है लाइट रूम एप्लीकेशन में जो है आप देख सकते हैं पहले किस टाइप से था और अभी देख सकते हैं आप। तो ये मेरा पहला स्टेप रहा, और सेकेंड स्टेप जो है मेरा पिक्स आर्ट में जो है मेरा सेकेंड स्टेप क्या है, पिक्स आर्ट में हमें जो है इसे इम्पोर्ट करके बैकग्राउंड को कट कर लेना। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरा रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं आप शेयर का ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे होंगे। शेयर पे ऑप्शन जाने के बाद यह लोडिंग ले रहा है, शेयरिंग के लिए जो है यह लोड ले रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ कम ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए पहले इसको यहाँ पर सेव टू डिवाइस कर लेंगे। सेव टू डिवाइस करने के बाद जो है आपको
देखिए और एक बात यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेव टू डिवाइस जो करना है हमको, ये लिमिट टू इस पर नहीं करना है, हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पे करना है, जिससे आपकी फ़ोटो जो है सुंदर लगने लगेंगे। तो यदि गाइज जब तक लोड लेता है, तो यदि गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें। सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हुए